नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद शर्मा सोलर टीवी में। मैं लेके आया हूँ आपका मंथली राशिफल और आज मैं बात करूंगा लियो राशि वालों के बारे में कि मई के महीने में मंथ ऑफ मई में आप लोगों के लिए ग्रहों की स्थिति किस तरह से अपना प्रभाव डालेगी और आपको किस तरह से अपना लाभ बनाना है, अपने आप को बचाना है। और साथ ही साथ कहूँगा कि फेसबुक के ऊपर मेरा लाइव जन्मकुंडली प्रोग्राम आता है एवरी वेडनेसडे रात को 8:30 से 9:30। अगर आपका कोई भी सवाल हो आप उसमें मेरे साथ भाग ले सकते हैं, लाइव पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसी भी एक सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा, उसमें रूबरू आपके रहूंगा और निसंकोच आप दुनिया में कहीं बैठे हों आपके सवाल का जवाब आपको मिलेगा। लाइव आपको उसमें भाग लेना होगा। मेरे फेसबुक को भी आप ज्वाइन करें और इस वीडियो में जो जानकारी दे रहा हूँ उसको आप लाइक तो करते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको अच्छी अच्छी जानकारी लेकर मैं इस यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने हाजिर होता हूँ। तो लियो राशि वालों कहना चाहूँगा भाई, आपके लिए सूर्य आपके राशिपति भाग्य स्थान में उच्च में और मंगल की स्थिति, जो मंगल अभी तक आपके सुख स्थान में बैठे थे वो अब जो पंचम भाव में बैठे थे वो निकल के अपनी उच्च राशि आपकी डे टू डे लाइफ में अपने एक परिवर्तन के साथ केतु के साथ संबंध बनाने वाले हैं। वहीं कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आपकी हेल्थ के बारे में, तो जब मैं कुंडली को बहुत ध्यान से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आप में परिवर्तन बहुत आए हैं और ये परिवर्तन अच्छे भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एंग्जाइटी, अननोन एंग्जाइटी है और एंग्जाइटी का कारण कौन है? अपने ही हैं, आपके अपने, यानी कि आपके अंदर के विचार ही एंग्जाइटी पैदा करते हैं। फिर उसके बाद आपके भाई बहन आ जाते हैं और खास करके उसमें फीमेल मेंबर जो है वो खास तौर पे आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है वो बात यह है कि आपने हिम्मत नहीं छोड़ी, आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे सब कुछ अचीव करना है और आप उसी ओर पूरी कोशिश करके बैठे हुए, ये आपके लिए अच्छी है। तो हेल्थ में कहूँगा कि माइग्रेन से बचें, स्लीपलेसनेस से बच के रहें, स्टिफनेस हाथों और पैरों में स्पैजम भी हो सकता है, स्टिफनेस भी आ सकती है, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अपनी हेल्थ का भाई ध्यान रखें तो बहुत अच्छी बात होगी, थोड़ा परिवर्तन आपको अभी और लाना होगा। बाकी नो डाउट सूर्य उच्च राशि में आपके राशिपति बहुत स्ट्रांग हो गए हैं तो निश्चित तौर पर ये आपको बल देंगे और आप चीज़ों को एंड ऑफ द डे अपनी तरफ मोड़ लेंगे, इतना मुझे विश्वास है। रिलेशनशिप में जैसे मैंने कहा कि फीमेल मेंबर्स और दिस एंड दैट, अब मैं उसको ही अगर आगे लेके चलूँ तो बुध आपके सेकंड हाउस के कारक आपकी कुंडली में अष्टम भाव में चले गए हैं। अष्टम भाव का बुध और वो भी अष्टम भाव में नीच राशि में बैठा हुआ द्वितीय भाव का मालिक, इसका मतलब है परिवार में नज़दीक और दूर के लोग कहीं ना कहीं षड्यंत्र, कंसीप्रेसी, क्योंकि आठवें घर में ही सब षड्यंत्र रचते हैं और षड्यंत्र रचने की कोशिश की जाती है। बस आपके लिए एक अच्छी बात यही है कि बुध खुद सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, इसका मतलब है कि जब ये कोशिश होगी अपने लोगों की तरफ से होगी, आपको अपनी सूझबूझ का परिचय देना होगा और उनकी चतुराई को समझकर आपको उनको मुंह तोड़ जवाब देना होगा और साइलेंटली अग्रेसिवली बिल्कुल ना करें, यानी कि कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा विश्वास आप उन पर नहीं कर सकते। वहीं अगर आपके पराक्रम की बात करूँ, यानी कि जहाँ पे हैं आपके सहज भाई बहन बंधु सिबलिंग दोस्त, तो मैं कहूँगा कि थर्ड हाउस जहाँ पे चंद्र और बृहस्पति का एक अच्छा योग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके साथ कंपटीशन हो रहा है। नो डाउट आप लोगों के साथ कंपटीशन हो रहा है, आपके अपने ही आपके साथ कंपटीशन कर रहे हैं और आपने इस कंपटीशन को एक्सेप्ट कर लिया और आप भी डिटर्मिंड है कि अब मुझे भी प्रूव करना है, बस दैट्स वेयर यू हैव टू कीप ऑन और इसी के ऊपर डटे रहे तो आप कामयाब होके निकलेंगे और आपको कोई रोक नहीं पाएगा। लोग देखते ही रह जाएंगे, जेलस होंगे आपके साथ, लेकिन आप अपना काम करके निकल जाएंगे। साथ में ये कहूँगा ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, अपनी समय से रहते सारी चीज़ें करें, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं अंत में वो कामयाब हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी प्लानिंग के साथ इसको निभा पाएंगे। जहाँ तक सुख स्थान की बात है, यानी कि सुख माँ का सुख, माँ बाप का सुख जो होता है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो उसमें मैं सीधा सीधा देख रहा हूँ कि आपकी कुंडली में जो स्थितियाँ हैं वो ये दिखा रही हैं कि पेरेंट्स की ओर से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पेरेंट्स की ओर से सपोर्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं वो जाने अनजाने आपकी सपोर्ट में बैठ गए हैं, तो इसका मतलब माँ बाप की ओर से आपको सुख मिलेगा, उनका सहयोग मिलेगा और यह सहयोग आपको एक आत्मबल देगा, आपको फाइटिंग स्पिरिट जो है वो आपके अंदर पैदा करेगा कि मुझे अब करके रहना है। आपको उनकी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, हल्की फुल्की उनकी सेहत का कुछ मसला आपके सामने आ सकता है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर एब्सोल्युटली फाइन, तो आपको उनके बारे में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। जहाँ तक संतान की बात है, जो लोग शादीशुदा हैं, जिनके संतान है, जो संतान प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए क्या होगा? पंचम भाव में मंगल और शनि, मंगल इस घर को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, वहीं शनि रेट्रोग्रेड होकर इस घर में बैठ गए हैं। अब ये स्थितियाँ क्या दिखाती हैं? अब ये स्थितियाँ कहती हैं कि जी हाँ,
संतान के लिए अच्छा समय, संतान अच्छा करेगी लेकिन शनि की प्रेजेंस की वजह से हल्की हल्की परेशानी भी साथ में बनी रहेगी। तो इस परेशानी का तो कोई जवाब नहीं है मेरे पास कि इसको कैसे दूर किया जाए, लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अपने बच्चों पर आप भरोसा करना सीखें। यह भरोसा ही उनकी ताकत है और आपकी आपकी आपको मजबूती प्रदान करता है। अगर आप ये करने में सक्षम हुए तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि आपके बच्चों ने बहुत अच्छा किया है और बहुत अच्छा परफॉर्म आगे भी करेंगे। आपकी कुंडली में है धनु राशि, जिसमें हम कहते हैं PhD, यानी कि ऐसे बच्चे जो फुल ऑफ विजडम, फुल ऑफ नॉलेज होते हैं, फुल ऑफ लक होते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ ग्रहों के प्रभाव से कई बार उनके व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारी मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन डेस्टिनी निश्चित तौर पे, आपकी डेस्टिनी, उनकी डेस्टिनी उनको सपोर्ट करती रहती है। कोई ना कोई ऐसा इंसान मुश्किल घड़ी में आके सामने खड़े हो जाता है, जिससे आपकी वो घड़ियाँ जो मुश्किल है, जो रुकावटें हैं, वो दूर हो जाती हैं। तो ऐसी ही स्थिति, यानी कि किसी की ब्लेसिंग से अगर आप संतान प्राप्ति में दिक्कतें आती, किसी की ब्लेसिंग आपको बहुत ज़्यादा सुकून दे सकती है, आपकी विश को पूरा कर सकती है। बच्चे जो हैं वो कामयाब रहेंगे, पढ़ाई आदि में अपना पूरा लाभ देंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि थोड़े से कंफ्यूज हैं, पूरा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा उनको पुश करना होगा, उनके साथ आपको बैठना होगा। अगर ये चीज़ें करके चलेंगे तो निश्चित तौर पर वो बहुत अच्छा करेंगे। यहाँ तो अब फाइनल ये टाइम चल रहा है, तो बहुत सारे बच्चे यूनि जिन्होंने ए लेवल कंप्लीट करना है, बहुत सारे ग्रेड्स उनको लेने हैं, तो मैं कहूँगा भाई आप जरूर ध्यान दें, आपकी थोड़ी सी मेहनत आपकी लाइफ को बहुत बड़ा एक चेंज दे सकती है, पॉजिटिव चेंज ला सकती है, तो इसलिए फोकस रहें और अच्छा करने की कोशिश करें। जहाँ तक आपके संबंधों की बात है मैरिटल रिलेशनशिप में, तो सेवंथ हाउस में शनि की राशि, शनि जो आज समय पंचम भाव में है और रेट्रोग्रेड हो गए, तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ये जो स्थितियाँ बन गई हैं, ये स्थितियाँ बेहतरीन स्थितियाँ मान के चलूँ मैं इसमें ये मानता हूँ कि यह स्थितियाँ आपको काफ़ी लाभप्रद रहेंगी और आपके रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाएंगी, एक अच्छी बॉन्डिंग। और अगर डिस्प्यूट हुआ तो ये बात भी जान लीजिए कि ये डिस्प्यूट जो ही रुकने वाला नहीं है, ये आगे वकील तक जाएगा, एडवोकेट, सोलिसिटर इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, कोर्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इससे पहले कि ऐसी कोई भी चीज़ें हों, अपनी बात को समझिए, अपने आप बैठकर टेबल पर एक दूसरे के साथ बात करिए, मुश्किलें हैं उनको सुलझाने की कोशिश करिए। आखिर कोर्ट में जाके भी तो हमें अपना अपना पक्ष रखना ही है, वहाँ जाके भी तो हमें एग्री करना ही है, क्यों ना अभी खुद प्रयास किया जाए। तो ये एक अच्छा अवसर आप लोगों के लिए हो सकता है और इसका पूरा लाभ आप लोगों को मिल सकता है। साथ ही साथ कहूँगा कि पार्टनर की हेल्थ को लेकर भी कुछ चिंताएँ जो हैं वो जरूर बनी रहेंगी। ये समय है जिसमें किसी गेट टुगेदर, पार्टी आदि में, विवाह के और खासतौर पे ओवरसीज या कहीं दूसरे देश में जाके शादी करने का भी ऑप्शन आ सकता है, ऐसा इन्विटेशन आ सकता है जहां आपको जाना पड़े, उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ सकती है। तो ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं बनी है, उनके लिए आप पूरा दमखम लगाएं, अपना पूरा दिखाएं कि हाँ आप इंटरेस्टेड हैं, आप अपनी खुशी जाहिर करें, तो बात बन जाएगी। प्रेम संबंधों में भी ये समय ऐसा है कि यहाँ अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो तो आपको थोड़ा घर से बाहर निकलना होगा, कुछ सर्च करना होगा, किसी को कहना होगा, देखना होगा, तभी बात बनेगी, उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे। लेकिन शनि वक्री होने की वजह से कई बार उसमें डिले या तो वैसे ही हो रही हो या फिर कई बार आप खुद डिले कर लेते हैं, तो इस चीज़ से आपको संभलना होगा। लेकिन कुल मिला के यही कहूँगा कि रिलेशनशिप के मामले में चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश की जा सकती है, जो कि एक अच्छी बात है। आपके घर और गाड़ी की अगर बात करूँ, तो घर को आप नया बनाना चाहते हैं, नया घर लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आगे बढ़िए, बिल्कुल लीजिए, और इसका लाभ जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बना हुआ है। ये कह सकता हूँ कि कई बार दो ऑप्शन होते हैं, मैं इस तारीख को एंटर करूँ या मैं उस तारीख को एंटर करूँ, कौन सी तारीख है जिसमें पेपर साइन करके इस डील को मैच्योर करूँ। मुझे लगता है कि ये ऑप्शन आपके पास रहेगा, आपको अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए और अपने किसी भी दिन चले जाएं, क्योंकि ये लाभ की स्थिति है प्रॉपर्टी के मामले में। आपने चाहे रेंटेड प्रॉपर्टी लेनी है, चाहे आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, घर खरीदना है, इन्वेस्टमेंट के तौर पे प्रॉपर्टी खरीदनी है, किसी भी दिन हो जाए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ें और किस तरह का प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है, और ये डील आपको मैच्योर कर लेनी चाहिए, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। गाड़ी के मामले में कहूँगा, आपको दो गाड़ियाँ पसंद आ चुकी हैं या तीन गाड़ियाँ आपके पास, फिर यही कन्फ्यूज़न है कि मैं कौन सी लूँ। भाई मैं ये कहूँगा, घर और गाड़ी के मामले इस समय कन्फ्यूज़न नहीं, जो करना है कर लीजिए, वो चीज़ें आपके लिए अच्छी ही होंगी, नो डाउट अबाउट दैट। और मैं एकदम इन सितारों की जो चाल है उसको जब देख पा रहा हूँ, तो अपने आप में एक बहुत बेहतरीन स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं मुझे दिखा रही है, इसका पूरा लाभ आप लोग ले सकते हैं। अगर मैं आपकी जॉब की बात करूँ, जिनको जॉब चाहिए, जो जो लोग देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, जो
दोस्त हुआ लुकिंग फॉर द जॉब, इंटरव्यूज आ जाए, क्या हो कैसे हो, लेकिन कुछ बन नहीं पा रहा है। तो मैं देख पा रहा हूँ कुंडली में कि आपके लिए जो सबसे जरूरी बात है, क्या जॉब मिलेगी। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपको ट्रैवलिंग से जुड़ी हुई, योगा से जुड़ी हुई, मेडिटेशन से जुड़ी हुई, हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई जॉब जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। आपको टीचिंग जैसी साइड में काफ़ी आप जो है उसमें आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी कोई जॉब्स हैं जो आपको आसानी से, अगर इस फील्ड में आप ढूंढे तो आसानी से जॉब मिल जाएगी। अगर इसके अलावा कोई फील्ड है जहाँ पे आपको लग रहा है कि जहाँ मिल जाए तो थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, आप कोशिश करें। सितारों की पोजीशन फिर भी अच्छी है आपकी और आप उसमें कामयाब हो जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके लिए क्या, उनको कहना चाहूँगा कि इस समय एक्स्ट्रा प्रेशर है, कई बार काम बहुत ज़्यादा आ जाता है उसका प्रेशर है, कई बार काम कम हो जाता है उसका प्रेशर है। तो एक इस तरह की स्थिति है जिसमें अप एंड डाउन, ऑन ऑफ जैसी पोजीशन हो गई है। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन जॉब आपकी सेफ है, सक्षम है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मंथ ऑफ मई में आपको एक दो बार ना चाहते हुए डे ऑफ करने पड़ेंगे, चाहे वो कोई फैमिली फंक्शन हो, चाहे हेल्थ हो, या कोई और कारण हो, जहाँ आप स्ट्रेस ना ले पाएं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं तो कई बार हम डे ऑफ ले लेते हैं। तो ऐसी स्थितियाँ आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती हैं, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक इस मामले में ध्यान दें। जो लोग बिजनेस में हैं बहुत अच्छा करोगे आप लोग, नो डाउट आपके रिकग्निशन आपको मिलेगा। और अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में, आप कहीं और दूसरी जगह जाके अपनी एक और सब ब्रांच खोलना चाहते हो, तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। स्थितियाँ आपकी फेवर में जाएंगी, आपके अनुकूल हैं, बिल्कुल आपको सपोर्ट कर रही हैं। तो कुल मिला के आपको इस चीज़ में बहुत सारा लाभ जो है वो मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस समय के दौरान किसी पार्टनरशिप में कोई नया काम करने का अवसर मिल जाए तो मुझे लगता है आपको डाउट किए बगैर उसमें आगे बढ़ जाना चाहिए, जो आपके लिए एक लाभ की स्थिति लेकर आ रहा है। तो कुल मिला के काम और इनकी स्थिति सही है। अब धन कैसे आएगा, इन्हीं चीज़ों से धन आना है। तो धन की जब स्थिति देखता हूँ आपकी, तो वो दिखा रहा है कि जी पर्याप्त मात्रा में आपको धन मिलता रहेगा। सगे संबंधियों से, साथियों से, काम से, पार्टनरशिप से आपको धन मिलता रहेगा, और ये धन आपकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में आपके काम आएगा। और आपके पास ऑलरेडी धन है, जो आपने ना जाने कौन सी ताली लगा के, उसको चाबी लगा के आपने चाबी फेंक दी, आप उसको प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कहीं और से आ जाए। निश्चिंत रहिए, आपको और भी मिलता रहेगा, आपके पास पहले से भी धन है, तो ऐसी कोई दिक्कत कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रही है। यात्राओं का सिलसिला बना रहेगा, छोटी लंबी दूरी की यात्राएँ, स्पिरिचुअलिटी की यात्राएं, ये पारिवारिक यात्राएं, ये सब यात्राएं लगी रहेंगी और इनकी प्लानिंग चलती रहेगी। कभी आप किसी के लिए टिकट खरीद ली हैं तो कभी अपने लिए कोई हॉलीडे बुक कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपको इस बार एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेंगी और उसकी तैयारी आप कर देंगे बिगनिंग में ही, तो ये एक अच्छी बात रहेगी और इसका पूरा लाभ आप लेके आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने प्रियजनों को जरूर बताएं इस चैनल के बारे में। और साथ ही साथ ये कहूँगा कि इस बार उपाय के रूप में आप क्या करें, तो उपाय के रूप में एक ही बात कहूँगा कि अगर आप किसी जैसे बैगर होते हैं जिनको फूड खास तौर पे चाहिए होता है, भूखे लोग हैं जो, जिनके पास खाना नहीं है, ऐसे लोगों को अगर आप सर्व करते हैं, फूड सर्व करते हैं, तो निश्चित तौर पे ये आपकी बात बना देगा और आपके लिए लाभदायक होगा। ठीक है जी, अब मैं कहूँगा कि जाते जाते फेसबुक पर मेरा एक लाइव शो होता है जन्म कुंडली लाइव, जिसको आप जिसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरे फेसबुक को ज्वाइन करें, बुधवार रात 8:30 से 9:30 यूके टाइम के हिसाब से आप वहां अपना कोई भी एक सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा यूं ही लाइव होकर, और आपका साथ जो है वो बना रहेगा मेरे साथ। तो निश्चित तौर पे प्रोग्राम को और भी 4 चांद लगेंगे। मिलूंगा आपसे और बात करूंगा आपसे अगले महीने आपकी राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।